फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल को दोगले किस्म का आदमी बताया है। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई अपनी नई किताब में चैपल को लेकर किए गए खुलासे को हरभजन ने अपना समर्थन दिया है। भज्जी का कहना है कि ग्रेग चैपल टीम में फूट डालो राज करो की नीति के तहत काम करते थे, जिसके चलते चैपल की पूर्व इंडिया टीम के कप्तान सौरभ गांगुली से कई बार कहा सुनी भी हुई, जिसमें सौरभ हमेशा सही होते थे, इसलिए उन्होंने भी सौरभ का ही साथ दिया। उन्होंने बताया कि चैपल द्वारा लिए गए निर्णय कभी भी टीम के हित में नहीं होते थे। उन्हें केवल इस बात का अफसोस है कि चैपल के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन वह काफी समय के बाद हुई। अगर वह कार्रवाई समय रहते होती तो 2007 के वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन कुछ और ही होता। जब तक चैपल कोच रहे तब तक भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता ही रहा। भज्जी ने सचिन द्वारा किए गए इस खुलासे की खूब प्रशंसा की। देखिए, जो सचिन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्रेग चैपल एक ऐसे इंसान थे जिनके दो फेस थे। वो कहते हैं कि दोगले आदमी, मैं कहूँगा वो दोगले इंसान थे। वो हमें कुछ कहते थे, बाहर मीडिया में कुछ बोलते थे और BCCI को कुछ बोलते थे। वो जो फूट करो फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था उन्होंने, और सारे प्लेयरों में उन्होंने फूट डाल के राज करने की जो नीति थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि कैसे जो है वो दुखती रग को पकड़ना है। उन्होंने वो पकड़ी थी मीडिया के थ्रू, बड़े बड़े जो और ऑफिशियल्स थे उनके थ्रू। उन्होंने मतलब इतना यकीन अपना बना लिया था कि वो जो है वो इंडिया की बेटरमेंट के लिए यहाँ चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ मतलब टीम में खिलाड़ी ऐसे हैं या कुछ बदलाव ऐसे होने चाहिए जो टीम को बेटर कर सके। तो वो सबको यही लग रहा था कि टीम की बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो है वो प्लेयर्स, क्योंकि हम लोग उस समय में उनको झेल रहे थे, हमें पता था वो क्या कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है। तो हमने काफ़ी बार कोशिश भी की इस बात को बताने के लिए, पर ये है कि सुनवाई हुई पर थोड़ी लेट से हुई। अगर पहले हो जाती तो शायद रिजल्ट्स जो हैं 2007 के वर्ल्ड कप के बेटर हो सकते थे। दिक्कत ये थी कि उनको कोई सामने से सवाल जवाब नहीं चाहिए था, क्योंकि जो खिलाड़ी थे अगर सवाल जवाब करते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, और उनकी एक पॉलिसी थी कि जो आपने सुना है कि माई वे और हाई वे। तो बहुत ईगो प्रॉब्लम थी उनको, कि उनको लगता था कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत बड़े कोच हैं, जो कि अपने आप में एक बात सही है कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब कोचिंग करने आओ तो आप उस ईगो में आप कोचिंग करो या उसी अपने अंदाज से आप कोचिंग करो जैसे हिसाब के आप प्लेयर थे। क्योंकि कोचिंग में होता है आप सब टीम के जितने खिलाड़ी हैं उनको एक साथ लेके चलो और टीम को आगे बढ़ाओ, पर उनका जो फंडा था वो शायद कुछ अलग था। वो इंडियन क्रिकेट को सुधारने नहीं, बिगाड़ने आए थे, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। 2 साल उन्होंने जो था वो उनका टेन्यूअर में कम से कम वो 6 साल इंडियन टीम को पीछे लेके गए हैं, और जो हमने मेहनत की थी उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया उन्होंने, और हमें दोबारा 4 साल लगे हैं दोबारा उभरने के लिए। और बट अच्छी बात एक ये है कि अब वो इंडियन टीम से बहुत दूर है, और मैं चाहता हूँ कि वो इंडियन टीम से बहुत दूर ही रहें, क्योंकि इसी में इंडियन क्रिकेट की भलाई है और हम सब की भलाई है। कि बोलते नहीं है कुछ, और समय आने पे सब चुपचाप बैठ जाते हैं, और उस टाइम पे अगर बोलते हम लोग सब मिलजुल कर तो आई एम श्योर बोर्ड उनको ग्रेग चैपल को तभी के तभी हटा देती, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। मैं तभी भी सौरव गांगुली के साथ था, क्योंकि सौरव गांगुली ने कोई गलती नहीं की थी, और आज सचिन ने खुलासा किया है तो बहुत अच्छी बात है। और ऑफकोर्स जो ऐसी चीज़ें ग्रेग चैपल ने टीम में की थी जो प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी पैदा करती थी, सब प्लेयर्स को यकीन नहीं था एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से भरोसा हट गया था। ये मैं कहता हूँ हमेशा, एक जो टीम होती है वो एक फैमिली की तरह होती है, और उसमें एक दूसरे के ऊपर यकीन होना बहुत बड़ी बात है और यकीन करना चाहिए, और वो जो यकीन था वो नहीं था आपस में, एक दूसरे के ऊपर उड़ गया था यकीन, क्योंकि पता नहीं था कौन किसकी खबर किधर दे रहा है, और उनके नाम नहीं मैं बताऊंगा कि कौन किसकी खबर किधर दे रहा था, पर ये था कि टीम का काफ़ी नुकसान किया उन्होंने, और जो माहौल था बहुत नेगेटिव माहौल था उस टाइम पे। यही बात को लेकर के मैंने सौरव को सपोर्ट किया था, क्योंकि सौरव वाज राइट और ग्रेग चैपल वाज़ंट राइट, और उस टाइम पे बहुत लोगों ने मेरी आलोचना भी की,
बट ग्लैड आज ये दिन आया है कि जहाँ पे लोगों को असलियत पता चली है कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं खुश हूँ कि आज सचिन ने अपनी बुक में लिखा है उनके बारे में जो ग्रेग चैपल की असलियत थी, और लोगों को डेफिनेटली पता चलना चाहिए कि कौन अपने इंडियन क्रिकेट के बारे में अच्छा सोचता है और कौन नहीं। और ग्रेग चैपल वॉज डेफिनेटली वन पर्सन जिन्होंने टीम के लिए अच्छा नहीं सोचा और अच्छा नहीं किया।